how did you get into trading? My first question is going to be that. You're talking about 2004 and you're talking about arbitrage. बट एक बात बताओ, उस टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते थे जैसे आज के टाइम पे एप्स होती हैं। नहीं, वी हैड टू विजिट द ऑफिस। तो मैं ऐसी थी अपने साल में मेरे, आई हैड अ टीम एंड लाइक 50,000 मार्क लाइंस, एंड आई वाज लाइक हस्बैंड वाज लाइक डूइंग अ कैलकुलेटर, कितना अमाउंट होता है तुझे पता है 50,000 में कितना क्वांटिटी होता है? मेरे डीमैट में भी 10 शेयर पड़े हैं। Everybody like sitting next to me like star was like ये 50,000 बोल रही है, वो 10 शेयर बोल रहा है। एक टाइम पे मैं ईबे पे, ebay.com UK पे मंथली आई वाज सेलिंग हैविंग अ सेल्स ऑफ 15 लाख एंड आई जस्ट इग्नोर कर। व्हाट वर यू सेलिंग सेइंग व्हेन यू आर सेइंग कि यू हैव टू नर्चर इट लाइक अ बेबी, ठीक है, एंड देन यू सी ट्रेडर्स टुडे जो कहते हैं ना कि 15 मिनट दिमाग लगाओ, ट्रेड लो और उसके बाद सो जाओ, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? बट एक बात बताना, स्टार्टिंग में यू वेंट फॉर आर्बिट्राज, देन यू वेंट फॉर कमोडिटीज, देन हाउ डू यू ट्रांजिशन इनटू दिस बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेडिंग? और एक दिन पैसे बनाए एंड आई कॉल्ड हिम माय ब्रदर, तुझे पता है भाई मैंने एक नया तरीका ढूंढा है और ऐसे ऐसे हमने बस सिंपल अपने पुराने लॉजिक्स को लगाने हैं जो हम करते थे कैश एफ एंड ओवरले, और पैसे बन गए। पहले दिन पैसे आए, अगले दिन आए लॉस्ट मनी, जो आया था वो चला गया। लेट मी शेयर दिस थिंग, मेरी जब मेरे को एक एज मिल गई ना, उसके बाद वो होता है ना घर में, आई मीन माय हस्बैंड ही इज लाइक अ टचवुड, ही इज ऑल लाइक अ वेरी गुड प्रोफाइल। आने वाला था उस बात पे, अब मैं आपको मेंटरशिप पे बताती हूं। नहीं, मैं उससे पहले, मुझे बोलना है, ठीक है ना? बताओ, बिकॉज़ आई हैड दिस थिंग प्रिपेयर्ड, बिकॉज़ एंड आई वाज लाइक यार ये हम करके ना फेंक चुके हैं, हम ये पीछे कर चुके हैं, अब यू कैन रिलेट टू इट रोहित। मैंने कहा काउंट करके देख, तेरे को सारी गेम समझ में आ जाएगी। दिस इज एक्सपेक्टेंसी, ये तो चीज है। हस्बैंड आ गए इस प्रोफेशन में, ब्रेड एंड बटर तो अब यहीं से निकालना है, क्या करेंगे? देन हाउ डज इट मेक सेंस कि रादर देन विद टाइम यू आर नॉट इवॉल्विंग इनटू अ पोजीशनल ट्रेडर, बट फ्रॉम पोजीशनल ट्रेडर यू हैव गॉन इनटू एन इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप ऑफ थिंग, सो वो माइंडसेट कैसे वर्क करता है? बट मुझे उसमें डर लगना बंद हो गया है, और आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे रोहित, अगर मैं 5 रुपए ये ऑप्शन बेचती हूँ ना, मेरी माय लेग्स स्टार्ट शिवरिंग एंड माय हार्ट इज लाइक मेरे हस्बैंड करेगा ना। तो गुड इवनिंग गाइस, वी हैव टुडे विद अस शिखा पृथ्वी गुप्ता फ्रॉम ट्विटर, वी गॉट अक्वेंटेड फ्रॉम ट्विटर एंड आई वाज सीइंग हर M2M फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई अंडरस्टैंड दैट शी इज एन इंट्राडे ट्रेडर। सो मैंने फिर उनको इनवाइट किया कि आई वांट टू अंडरस्टैंड योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग स्टाइल आई वांट टू नो अबाउट हर, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में किसी को पता नहीं होता, हाउ द पर्सन स्टार्टेड इनटू ट्रेडिंग, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, हाउ डज ही ट्रेड। सो वेलकम शिखा। हाय रोहित। ओके, सो फॉर योर ऑडियंस, हाउ डिड यू गेट इनटू ट्रेडिंग? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दैट। Okay, for me, of course, this question comes especially if when, because there are very less women in this profession. And as I started very early in 2004, trading, I would say it came very organically, very naturally to me, because I belong to, like, you know, family. We have a broker in the family. My father is a sub broker. Both of my brothers are traders. So, छुट्टियों में लोग नानी घर जाते हैं ना, तो मैं अपनी मासी के घर जाती थी रहने के लिए, एंड माई अंकल, माई मौसाजी इज अ ब्रोकर, इज अ वेल नोन ब्रोकर ऑफ नॉर्थ इंडिया, इनफैक्ट इन कंट्री। एंड तो मैंने ना वो सिनेरियो भी देखा हुआ है जब वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आते हैं ना, एंड वो घर में रखे हुए एंड साइनिंग चल रही है एंड समबडी सिटिंग इन मिडल ऑफ दैट, एंड जब वो स्कैम्स हुए थे तब अंकल को देखा वो मेंटल से निकलते हुए, तो ये सब चीजें मैंने फेस देखा हुआ है। सो टिल देन देयर वाज नो थॉट्स के मैं भी ट्रेडिंग में आऊंगी, आई मीन प्योर लाइक अ ग्रेजुएट निकलता है ना, वैसे थे मैं भी। एंड बेसिकली यू आर वेटरन, आई डोंट नो, आई कांट से, बट ऑर्गेनिकली आ गया। ओके, तो वो ऐसे आया जब व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड आई लाइक यू नो टॉक टू माय मौसा जी एंड आई आस्क हिम कि अभी
बिकॉज ही इज लाइक द बोलते हैं ना फैमिली का सबसे ज्यादा जिसको एजुकेटेड भी कह सकते हैं और जिसको रिस्पेक्ट मतलब जिसकी सब मानते हैं तो आई आज दे मैंने इसके क्या अभी मुझे गाइड करो ही सेड कम टू मी कम टू दिल्ली एंड आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अंबाला तो पहुंच गए एंड जाते ही ट्रेडिंग एंड आई वाज डूइंग सीएस तब तैयारी कर रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेडिंग में आई स्टार्टेड विद कैश एनएससी एंड बीएसए में आर्बिट्रेज आई स्टार्टेड इन 2004 पहला जब सौदा हमारा आई वाज लाइक डुबलक डुबलक एंड पैसे आते हैं अच्छा इससे पैसे आते हैं You're talking about 2004 and you're talking about arbitrage. Arbitrage. But एक बात बताओ, उस टाइम पे I don't think so कि इस तरह के ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते थे जैसे आज के टाइम पे एप्स होती हैं। नहीं, 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 नहीं. We had to visit the office. ऑफिस जाना पड़ता था वहीं से करना पड़ता था ब्रोकर के उस पे I mean, अंकल के ऑफिस जाती थी वहां बैठ के करती थी बट आर्बिट्राज कैसे पॉसिबल था मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी होती थी उस टाइम पे क्या बहुत ज्यादा होती थी आप इमेजिन नहीं कर सकते हाउ मनी हाउ मच मनी पीपल हैव मेड आउट ऑफ आर्बिट्रेज एंड खाली एनएससी टू बीएससी नहीं होता था कैश एंड एफएंडओ भी उस टाइम तक स्टार्ट हो चुका था कैश एफएंडओ में भी देयर वाज लाइक गुड अपॉर्चुनिटीज एंड धीरे धीरे वो ऐसा हम सीख गए थे आई विल टेल यू द बेसिक कांसेप्ट ऑफ कैश एफएंडओ में व्हाट हैपेंस इज You buy cash and you sell F&O and you eat up the difference. So it could be, अभी तो बहुत कम है, 1% hardly मिलता है, उस समय तो 2-3% होता था. And interest rate कम था, और margins भी कम थे, because अब तो आपको equity पे, आपको 100% देना है ना, तो उस time पे, I guess कम होता था, और future का भी कम था, तो खर्चा कम था. तो हम लोगों को जो बीच में gap अगर 3% भी मिल रहा है, तो यू कैन होल्ड इट फॉर अ मंथ लास्ट में आके तो वो जीरो ही हो जाना है ना तो हम लोग को उसको चर्न कर करके इतनी हैबिट हो गई थी ना इफ वी मैंने मॉर्निंग में आके अगर कैश को सेल किया है एंड एफएंडओ को बाय किया है डे एंड पे मुझे उसको रिवर्स करना ही करना है अगर मैं नहीं करती हूँ तो मेरे को पेनल्टी आएगी एक ऑक्शन आ जाएगी तो वो हमें ना पता था कि अगर मैंने उसको डिफरेंस को 20 रुपीज में शॉर्ट किया है ये मैक्स है और उसके बाद 10 या बीच का आ जाएगा कैश एफएंडओ से बिगिन किया एंड लाइक कर रहे थे तब तक अच्छा था तो जैसे अभी ये सिनेरियो आया ना कि ऑप्शंस में आप नाउ व्हाट यू आर फेसिंग के प्रीमियम्स कम हुए हैं यू नो यू ऑल आर ग्रोइंग थ्रू के वॉलेटिलिटी बढ़ी है सेम थिंग उस टाइम पे कैश एफएंडओ आर्बिट्रेज में हो रहा था Even I have seen that time because मैं बताता हूँ मैंने जब अपनी trading start की थी ना I started it in 2009 and practically I was not with any job मुझे पता भी नहीं था कि मैंने life में क्या करना है my dad was getting retired at that time I still remember it because it was March 2009 31st March he got retired उससे पहले उन्होंने हमारे ना demat account setup करवा दिए थे उस time पे ICICI के demat accounts के ऊपर when you had to trade ना आपको F5 दबा के पेज को रिफ्रेश करना पड़ता था आज के टाइम पे तो आप F5 दबा के रिफ्रेश करो आपको तो वो लॉग आउट कर देते हैं सिस्टम के ऊपर से कि ठीक है पता नहीं किसी ने दैट तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे एक इंफोसिस की ट्रेड करके दिखाई थी एंड आई स्टिल रिमेंबर गर्मियों का दिन था हम एसी में बैठे हुए थे उन्होंने इन्फी का एक लॉट परचेज किया एंड 15 मिनट के अंदर ही वॉज मेकिंग 45,000 रुपीज And I was like, मैंने कहा मुझे नहीं जॉब करनी मेरे को यही करना है बैठ के I know. That is how I got introduced into market. And when you said ना कि मैं 2004 के अंदर जाके आर्बिट्राज करती थी I am just imagining कि हम तो फिर भी अपने घर से करना शुरू किए हुए आजकल के टाइम पे ट्रेडर्स हैं जो अपने मोबाइल ऐप से सब कुछ कर सकते हैं There was a time when you had to go to a physical branch office. उस ऑफिस के अंदर 15-15, 20-20, 30-30 कंप्यूटर्स लगे होते थे just to cater to the traders. So you have seen that time. नहीं मैं भी आपको उसी के स्टेप अहेड बताऊंगी तो हाउ माई लाइफ चेंज बिकॉज ऑफ दैट एंड व्हाट हैपेंड ये मैंने 2009 में शायद साथ साथ मैंने सीएस करी एंड आई जॉइन आई गॉट अ सीट इन सीएलसी दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप लॉ से अवेयर हो तो आपको पता होगा कि हाउ डिफिकल्ट इट टू चार्ज लेकर To get the seat at Delhi University CLC, but मुझे उसमें pick करना था because morning I was doing trading. उससे पहले मैं coaching classes ले रही थी
जाती थी सीएस के लिए, फाइनल के लिए तैयारी कर रही थी, शाम को मेरे को दोबारा लॉ कॉलेज जाना, साथ में सीएस का वो करना, आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड आई गिव अ सीट टू एवरीथिंग एंड आई डिसाइडेड अल्टीमेटली लाइफ में पैसा कमाना है, वो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, व्हाई आई एम जगलिंग सो मच, ओके आई शुड टेक अ डिग्री, दैट्स ओके, वो फैमिली होता है ना कि अच्छी डिग्री ले लो, शादी अच्छी हो जाएगी एंड ऑल, तो चलो ठीक है. Do you think stock market is about money but law is about power? No, I think so. No, I think so. Maybe because you know, I have seen. Okay, it's just. I think. जब पैसा होता है ना तो it suppress everything. अरे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, जब आप लॉयर्स के पास पहुँचते हो ना, जिस तरीके से वो लोग मुंह खोलते हैं ना अपनी फीस के लिए या फिर पंगों के लिए, I have seen them bloody extortioning people. Maybe मैंने देखा नहीं है कुछ, ये था कि law college के वो face के बाद I had so many friends who are lawyers. Okay. तो मैं friendly हो गई हूँ तो I have not seen that brutal side. हो सकता है मैंने वो देखा नहीं है, touchwood. Lawyer friends जरूर होना चाहिए actually. हाँ बहुत है, वो छह महीने ने मुझे बहुत सारे ऐसे दोस्त दे दिए जो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी. So this happened, ये मैंने फिर 2009 में CS की डिग्री ले ली एंड आई वॉज लाइक खुद पैसा कमा रही है, यंग लड़की है, क्या चाहिए लाइफ में, तो अब सेटल हो गए, तो अब शादी हो गई 2011 में, आई गॉट मैरिड. व्हेन आई गॉट मैरिड, आई विल टेल यू द रियल लाइफ एग्जांपल, माय हस्बैंड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही वॉज वर्किंग एट दैट टाइम विद अ सीए फर्म एंड ही यूज्ड टू कम एंड सिट विद माय ऑफिस एंड आई लाइक यू नो हम आर्बिट्रेज करते थे तो हमारे लिए एक लॉट दो लॉट कुछ नहीं है रिलायंस का, यू नो. तो मैं ऐसी थी अपने साल में मेरे आई हैड अ टीम एंड लाइक 50,000 मार्क लाइंस एंड आई वाज लाइक हस्बैंड वाज लाइक डूइंग अ कैलकुलेटर कितना अमाउंट है तुझे पता है 50,000 में कितना क्वांटिटी होता है, ही वाज लाइक मेरे डीमैट में भी 10 शेयर पड़े हैं. एवरीबॉडी लाइक सिटिंग नेक्स्ट टू मी लाइक स्टार वाज लाइक ये 50,000 बोल रही है, वो 10 शेयर बोल रहा है. Actually, this is a paradox, okay? Because जो लोग out of business हैं, जो मतलब service sector के अंदर हैं, जब वो investment करते हैं, that investment is going to be very less, ठीक है? That is not their net worth. But when we are trading in the market for bread and butter, हमारी तो सारी की सारी net worth उस market के अंदर होती है. Right. ठीक है. पर मेरा एक question है इसके अंदर, शिखा, when you started and when you got married. एक इनिशियल लर्निंग कर्व तो रहा होगा ना, वाज दैट सो मच इजी और डिड यू फेस एनी हार्ड टाइम आल्सो? हार्ड टाइम इसके बाद आया था. ओके. इसके बाद आया था टिल हां एक जरूर बोलूंगी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था एंड इवन एज आई टोल्ड यू बोथ ऑफ माय ब्रदर्स आर आल्सो ट्रेडर्स. सो उस टाइम पे ना एक मिथ ये होता था कि ये ट्रेडर्स है ना ये पैसा नहीं कमाते हैं, ये लिटरली जो वो सट्टे जुएबाज वाला ना वो उस टाइम पे रियलिटी थी. लड़के को लड़की नहीं मिलती थी शादी के लिए. ओके, रियलिटी बता रही हूँ. आज भी है? नहीं, फिर भी बदल गया. मे बी आई मीन माय यंगर वन इज लाइक ही गॉट मैरिड 3 इयर्स बिफोर, ही इज आल्सो अ ट्रेडर एंड आई मीन माय माइका इज नॉट अ बिग टाउन, इट्स लाइक टू टायर सिटी एंड तो उस टाइम पे भाई के लिए जब हम लड़की देख रहे थे ना तो इट वाज लाइक एवरीबॉडी यार ये लोग करते क्या है. इवन आई इवन व्हेन माय बायोडाटा वाज सेंड एंड माय मदर इन लॉ वाज माय हस्बैंड, अच्छा ये तो वो शेयर बाजार का काम कर रही है, पैसा कैसे कमाती है ये, यू नो व्हाट. तो ऐसे था तो एवरीबॉडी इज लाइक के ये अच्छा बहू आई है घर में काम क्या करती है, पैसे कैसे आते हैं, पैसे कैसे तो ये सब था. And उसके बाद I was expecting by middle of 2012 I was expecting my first child and since I'm like the eldest of the family, very pampered, तो ये घर से नहीं निकलेगी. Now comes in the pincher के आपको broker के वहां जाना है, you know, bed rest लेना है, you are like मतलब most pampered in-laws में और ये सब, तो घर से निकलना ही नहीं है. तो अब ट्रेडिंग हो गई असाइड क्योंकि ऑफिस जा नहीं सकते, बट उस टाइम तक इंटरनेट वाला कंसेप्ट शुरू हो गया था, व्हाट आई कैन रिकॉल इज, तो बट वो प्रॉपर आर्बिट्रेज वाला वो नहीं आप घर से कर सकते, लाइन टूट जाएगी, लैंड लेना पड़ेगा, ये सब वो, इंटरनेट भी तब इतना स्पीड नहीं होता था. तो ठीक है, सोचा ब्रेक देते हैं. ब्रेक दिया तो मैंने उस समय ना गोल्ड और सिल्वर एक्सप्लोर करा. ओके. और
तब पहली बार मैंने लाइफ में सट्टा मारा हूँ, लाइफ में पहली बार सट्टा ट्रेडिंग, जिसको बोलते ना लिया अपनी मर्जी से, ये वो कर दिया एंड लॉस कर दिया। हाँ मतलब अपनी मर्जी से, अयाशी जैसे उसको बोलते ना पूरी कि पैम्पर्ड कर रहा है, तो मर्जी से निफ्टी ले रहे हैं, कहीं भी बेच रहे हैं सब, बट ज्यादा लॉस नहीं था कुछ। तो माय डैड सेड ओके डोंट बॉदर, खत्म कर, ब्रेक ले ले, एंड आई टुक द ब्रेक। उसके बाद बेबी हुई, तो उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई किया, एंड नाउ वी विल डिस्कस लाइफ अपार्ट ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग कर रही थी एंड वन डे माय डॉटर वाज लाइक 5 or 6 months, शी स्टार्टेड, वो रोलिंग करता ना जब बेबी बेड पे, वो फेस था, एंड शी रोल्ड डाउन एंड शी लाइक फेल डाउन फ्रॉम द बेड, ओके, एंड आई वाज वो थैंकफुली नीचे कुछ वो लोडन फ्लोरिंग थी तो उसको लगी नहीं, तो आई वॉज लिटरली क्राइंग। और उस समय ना लाइक हमारे ऑफिस में इतना सेटअप आ चुका था, आरएमएस वाज सो स्ट्रॉन्ग कि अगर हमारी पोजीशन हम आर्बिट्रेज कर रहे हैं, एक साइड भी ओपन होगी, मुझे विद इन अ मिनट कॉल आ जाएगा। मुझे कॉल आया, मैम आपकी पोजीशन ओपन है, इधर बेबी रो रहा है, उधर भी पोजीशन ओपन है, एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू पिक वन थिंग, ओके, सो आई केप्ट असाइड ट्रेडिंग, बिकॉज जो ये बोलते हैं ना ये बिजनेस है, ये मुझे तब समझ आ गया था कि मैं इसको हल्के में नहीं ले सकती, आई हैव टू डेवोट जस्ट लाइक एन अनदर बेबी, ट्रेडिंग को भी मुझे टाइम देना पड़ेगा, बट मैं नहीं दे पा रही थी, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो मैं नहीं कर पा रही थी, एंड अदरवाइज ऑल्सो आई एम वेरी वर्कहोलिक और वेरी ऑनेस्ट, तो मैं जो काम कर रही हूँ आई वॉन्टेड विथ 100% इनफैक्ट 200% डेडिकेशन, वो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आई थॉट ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, नहीं करेंगे हम। ऑफकोर्स ऑफिस तो जाने से हम लोगों ने बहुत प्लान्स किए कि हम बेबी को नर्सरी में रखते हैं, हम ऐसे करते हैं, बट आई कुडंट मैनेज, तो उस टाइम पे मैंने ब्रेक ले लिया एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। ई कॉमर्स आया था, तो मैंने ऑनलाइन फेसबुक पे पेज बनाया, एंड मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से वेंडर सोर्स किए, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, एंड आई जस्ट बूम मैंने बस कर दिया। एक टाइम पे मैं ईबे पे ebay.com UK पे मंथली आई वाज सेलिंग हैविंग अ सेल्स ऑफ 15 lakh rupees, एंड आई जस्ट एक्सप्लोर कर, व्हाट वर यू सेलिंग? आई वाज सेलिंग लाइक इंडियन क्लोथ्स, ओके, मेरा मार्केट वाज लाइक 90-80% 90% इज यूएस यूके बेस्ड, आई हैड क्लाइंट्स, इंस्टाग्राम पे आज भी मेरा पेज है, मैंने बंद नहीं किया बिकॉज़ दैट वाज लाइक मेरा एफर्ट्स थे, पेज फेसबुक पे आज भी मेरे पेज पे कुछ 1.5 lakh likes है, सब ऑर्गेनिक, ओके, इतना सेल्स किया, सब कुछ किया मैंने, एक वर्कशॉप बना दी, स्टाफ रखा, और सोचो कॉमर्स बैकग्राउंड की लड़की ये कर रही है सिर्फ शौक पे, जिसको एक सिलाई में सुई धागा नहीं डालना आता, एंड शी इज लाइक सेलिंग क्लोथ्स, एंड ये सब चलता रहा। 2020 में मैंने इतने मास्क सेल किए हैं, जब ये लॉकडाउन था आप सोच नहीं सकते, आई वॉज लाइक बाहर भेज रही थी मैं इंडिया के बाहर क्लोथ मास्क। When you are saying की you have to nurture it like a baby, ठीक है, and then you see traders today जो कहते हैं ना कि 15 मिनट दिमाग लगाओ, ट्रेड लो और उसके बाद सो जाओ, what do you feel about it? नहीं, आलू डालो सोना डालो, नहीं है निकालो, नहीं है, जिस दिन ये समझ आ जाएगा ना, जिस दिन ये समझ आएगा, you will literally make money, have you seen that? Have you seen that meme जिसके अंदर एक हस्बैंड दिखाया हुआ है, या फिर जो सो रहा होता है, वाइफ सोच रही होती है कि ये पता नहीं किससे बात कर रहा है, पर उसके दिमाग में चल रहा होता है, मेरे घर में होता है, उल्टा होता है, मेरे साथ होता है, दैट हैपेंस विद मी, वो बता रहे जेंडर वाइज नहीं है, वो जेंडर वाइज नहीं है, हां इट हैपेंस। बट एक बात बताना, स्टार्टिंग में यू वेंट फॉर आर्बिट्राज, देन यू वेंट फॉर कमोडिटीज, देन हाउ डू यू ट्रांजिशन इनटू दिस बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेडिंग? ओके, इन 2020 आई वॉज लाइक लिटरली बोर्ड ऑफ वॉट आई वॉज डूइंग, तो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कुछ टाइम बाद बोर हो जाती हूँ, तो बिजनेस वॉज फाइन, बट आई सेड नो आई डोंट वॉन्ट टू डू इट दिस एनी मोर, बिकॉज रात को 2 बजे क्लाइंट कॉल कर रहा है, कभी कहीं यूएस से कॉल आ रहा है, कुछ भी सुबह, मतलब एवरीबडी इज रश, दुनिया ध्यान के कपड़े जैसे मैं ही बेच रही हूँ, सबको जल्दी है, तो आई वॉज लाइक नो आई कॉन्ट टेक दिस स्ट्रेस एनी मोर, एंड आई वेंट बैक टू माई अंकल जिसका मैंने डिस्कस किया इज द ब्रोकर, और ये तो मैंने बोला मेरे को अब दोबारा ट्रेडिंग करनी है, तो ही सेड क्या करेगी, तो आई सेड आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, आई स्वेयर ऑन माय गॉड, मुझे ऑप्शन का ये नहीं पता था कि कॉल का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब क्या होता है, ये 2020 की बात कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है, मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, मैंने बोला कि मैं करूंगी बस,
मैंने अपना सिस्टम खोला, अकाउंट तो था ही, तो मैंने उसमें, आप बिलीव करो कि पहला काम क्या किया है, कॉल और पुट में आर्बिट्रेज कर रही हूँ और एक दिन पैसे बनाए, एंड आई कॉल्ड हिम माय ब्रदर, तुझे पता है भाई मैंने एक नया तरीका ढूंढा है, और ऐसे ऐसे हमने बस सिंपल अपने पुराने लॉजिक्स को लगाने हैं जो हम करते थे कैश एफ एंड डो वाले, और पैसे बन गए। पहले दिन पैसे आए, अगले दिन आए लॉस्ट मनी, जो आया था वो चला गया। देन आई थॉट के फिर मैं उसको पूछ रही, भाई ये बताइए कॉल का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब क्या होता है। तो ही सेड के तुझे पता है ये वो पहले वाला नहीं है, एंड यू हैव टू लर्न। और तुझे एक चीज बता रहा हूँ कि लोगों को कॉल का मतलब और उसका इम्पैक्ट और उसका जो आता है ना कैसे पैसा बनता है उसको समझने में साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं एक्चुअल इम्पैक्ट समझने में। देन आई थॉट के दिस इज समथिंग जो मुझे दोबारा स्क्रैच से लर्न करना पड़ेगा। आई हैव मतलब आई एम अमेज्ड बाय दिस थिंग बिकॉज आई विल टेल यू, मैंने जो अपना यहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है ना अपने होम टाउन के अंदर, ठीक है, इट्स एन ऑफिस जहाँ पे मुझे सिर्फ घर से निकलना है, जाके बैठना है। वी डोंट केटर टू अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज मेरा हमेशा से होता था कि यार एक अपना ऑफिस चाहिए, वहां पे चाहे अंदर हम लोग बेड लगा लें, दे शुडंट बी समबडी कमिंग एंड सेइंग कि यार तुम लोग क्या करते, ठीक है, बट स्टिल बिकॉज आई एम सिटिंग हियर इन दिस ऑफिस फॉर 5 years, देर आर पीपल हु कम टू मी, यू वॉन्ट बिलीव, दे आर 23 years old, दे आर 25 years old, दे कम टू मी एंड दे से दे वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग। और मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि यार तुम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हो, एंड एवरीबडी नोज अबाउट ऑप्शन बाइंग, की लास्ट के 3-4 साल के अंदर जो बूम आया हुआ है ना, एवरीबडी नोज की ऑप्शन बाइंग होती है। आप 20,000 लेके मार्केट के अंदर, 20,000 लेके मार्केट के अंदर आ सकते हो, यू कैन गो फॉर 2,000%, 3,000% रिटर्न। एंड यस्टरडे एक शराब का कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास बैठा हुआ था, ठीक है, ही वॉज इन टू अ लॉस ऑफ 23 lakh जस्ट बाई ऑप्शन बाइंग, एंड नाउ ही वॉज इन टू अ माइंड सेट जहां पर उसको रिकवर करना है। बट मेरे को लगता है कि इफ यू आर कमिंग इन टू ऑप्शन और एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन होता है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट सीखो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको ट्रेडिंग का पता चलेगा, तो यू विल गो फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इंट्राडे नाम की भी चीज होती है, और इंट्राडे के बाद यू विल, यू नो व्हाट रियलिटी इज, इफ यू गिव दिस ज्ञान टू समबडी ना, ही विल मोक यू, ही और शी विल मोक यू, ये हम सिखाना नहीं चाहते हैं। ये रियलिटी है। एंड एक बार एक स्पेस में ऐसे हुआ, समबडी आस्क्ड मी एंड आई सेड डोंट डू इट, आप ऐसे फॉलो करो, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी, ओके आई सेड गॉड ब्लेस यू, आई कांट हेल्प यू फर्दर। और उनको मेरे, ऐसा लगता है, मेरे साथ में यहाँ पे लड़की एक काम करती है, शी असिस्ट मी, ठीक है, वो कई बार मेरे को पूछते हैं, बोलते सर क्लाइंट आता है आप उसको हटा दे भेज दे, तो मैंने कहा मुझे क्लाइंट की उसकी जरूरत नहीं है, बट मेरे को पता है दैट आई हैव गॉन आउट ऑफ अ फेस जहां पे 3 बारी मेरा अकाउंट बैंकक्रप्ट हुआ है, आई डोंट वांट समबडी टू फेस दैट थिंग। सो जो एक लास्ट स्टेप होना चाहिए ट्रेडिंग का, वो सबसे पहले जंप ही उसके ऊपर मारते हैं। इट्स लाइक अ ट्रेडमिल जो 15 km/h के ऊपर चल रही है, और आप कह रहे हो कि मैं 1 km/h, 2 km की स्पीड में नहीं, सीधा 15 km पे जंप मारना चाहता हूं, इट विल थ्रो यू आउट। एग्जैक्टली, या सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, 2020 में आई, अंकल ने मुझे भेजा, अब नाम डिस्क्लोज कर ही देती हूं क्योंकि मेरे तो मेंटर ही वही है, शेयर इंडिया के ओनर है सचिन गुप्ता जी, तो मैं उनको मैं भैया बोलती हूं, तो आई रियली, अगर आज मैं ऑप्शन में पैसा कमा रही हूँ, आई एम स्टैंडिंग समबडी है, सी आई हैव बीन अ ब्लेस्ड सोल कि मैं, बट उन्होंने मुझे से सिखाया, छोटी बहन की तरह सिखाया, और मुझे कभी गलती नहीं करने दी, एंड हिज रूल्स हिज थॉट्स आर इन माय, मेरे ना नस में, मेरे ब्लड में घुस चुके हैं कि आई कांट, वो मैं कर ही नहीं सकती, मेरी साइकोलॉजी है ना वो पूरी वैसे सेट हो चुकी है। एंड वहां मैंने सीखा एंड ऑलमोस्ट लाइक 1.5 years I and मैं ट्रेड भी कर रही थी, लाइव भी कर रही थी, विद इन 15 days आई वॉज लाइक डूइंग लाइव ट्रेडिंग ऑल्सो। तो भैया ने बहुत मोटिवेट किया, हर चीज सिखाई, एंड ही वॉज लाइक ऑलवेज कि तू बहुत अच्छी ट्रेडर है। तो मैंने साइड बाई साइड अपना अकाउंट में भी ट्रेडिंग स्टार्ट की, एंड फिर After 1.5 years, I went to him and I said, now I am confident that I can trade individually on my account. So he said, I am the most happiest person. मेरे से सीखा हुआ बच्चा आज ये confidently बोल रहा है कि मैं कर सकता हूँ. So he told me कि
तुम ना मेरे पास आती रही हो, तू कर, लेकिन मेरे पास आती रही हो और मुझे ना ये अपना बताती रही हो कि व्हाट यू आर डूइंग एंड तेरी शीट क्या है एंड व्हाट लाइक यू नो, तू फंसी हो मत लाइफ में तो अभी कभी. एंड सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग इन ट्रेडिंग, तू नहीं कर पा रही इंडिविजुअली, माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, यू कैन एनी टाइम ज्वाइन शेयर इंडिया बैक. तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि उन्होंने सिखाया है तो मैं फॉल नहीं करूंगी. तो वहां से ये है 2021 के मिड की बात है शायद, आई स्टार्टेड ऑफ 2022 की स्टार्टिंग की बात है. तो मैं वापस आई, अब जो मेरे अंकल है उनके उनके पास मेरा अकाउंट है. तो अब मैं 10 साल घर पे लगा चुकी थी, आई डोंट वॉन्ट टू सिट एट होम, माई किड्स आर लाइक रीजनेबली ग्रोन अप. तो मैंने को बोला कि मैं अब ना घर से नहीं करूंगी, मैं बिकॉज आई एम लाइक फेड अप. तो आई उन्हीं के ब्रोकर के जो मेरे अंकल हैं उनके ऑफिस में मैंने एक सेटअप बनाया. तो फिर मैं घर से, सोचो इमेजिन, फरीदाबाद से डेली कनॉट प्लेस जाती थी जस्ट फॉर द मेंटल पीस ऑफ माइंड, की मुझे आराम से बैठ के ट्रेडिंग करनी है. अब स्टार्ट किया, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, सॉक्स, जो मुझे समझ आया मैं करती गई. टचवुड मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत पैसा बनाया मैंने, लेकिन मैंने रीजनेबली पैसा बनाना स्टार्ट किया और लॉसेस नहीं. लॉसेस देखे मैं, मेरा मंथ उसमें जा रहा है या मेरा उसमें जा रहा है. तो मैं स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ट्विटर, वहां पे मेरी कम्युनिटी बनी, मेरे फ्रेंड्स बने, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने जिन्होंने मुझे सिखाया भी, एल्गो के बारे में सिखाया. धार्मिक है एक और, बहुत सब है, धर्मेश पटेल है, क्रिस टॉक्स है, इन लोगों के मैं बहुत मतलब लाइक यू नो वी हैव अ बॉन्ड. तो उन लोगों ने मुझे समझाया एंड आई एम अ वेरी एग्रेसिव लर्नर. तो कोई भी मुझे सिखाता है ना, आपकी बातों से भी मैं सीख लेती हूँ. एंड दैट इज आई थिंक व्हाट आई फाइंड बेस्ट विद यू इज दैट यू आर ब्लेस्ड, यू आर रियली ब्लेस्ड. Okay, because I'll tell you why I'm saying this. I'm not saying it in any negative way, and it's good to be blessed. ठीक है, there is nothing like it. ठीक है, आपको अगर कहीं से भी edge मिलती है, that is better. ठीक है, you got a family that is actually into practical trading. ठीक है, yeah. Then after that, you got very good mentors that you are trading. Uh-huh. Otherwise, सबसे बड़ी problem क्या होती है? If somebody wants to start trading today ना, उसको सबसे पहले ढंग का mentor नहीं मिलता जो उसको actually मैं बता सके कि करना क्या. That and I'm telling you, I'm sorry, I'm break cutting. मैं आपको mentor की problem बताती हूँ. Because let me share this thing. मेरी जब मेरे को एक edge मिल गई ना, उसके बाद वो होता है ना घर में, I mean my husband, he is like a touchwood, he is all like a very good. आने वाला था उस बात पे. अब मैं आपको mentorship पे बताती हूँ. नहीं, मैं उससे पहले मुझे बोलना है, ठीक है ना? बताओ. Because I had this thing prepared because. You know, trading is the kind of business when you try to get into it, na, everybody repels you ki trade mat karna. But once you are doing it for 5 years, na, then people who are in your surrounding, they want to say ki ab mujhe kaise karna hai, ye batao. Ab, of course, wo, yeah. I mean, mera husband yaar ghar sasural jayenge, to dono saale, father-in-law. That is why मैंने कहानी पहले रखी. I mean people ask me कि मैम आपके घर में क्या होता है, तो I can visualize this. मेरे मायके में ना वो एक सोफा है जहाँ पे हमारा like talk show चलता है. Everybody, like you know, everybody, my father, my both of my brothers, me and my husband is like watching and my sister-in-law like they are used to it. तो मेरी मम्मा और sister-in-law तो अब used to हो चुके हैं. एंड अगर मौसी के घर जाओ वो बड़े वाला काउच लग जाता है एंड एवरीबॉडी मीन आगे कजन जीजू सिस्टर्स मौसी जी का बेटा एवरीबॉडी लाइक टॉकिंग अबाउट मार्केट मार्केट मार्केट. तो हमारे तो डिस्कशन ये होता है एंड दिस हैपेंस. अच्छा, अब कमिंग बैक कि मेंटरशिप के बारे में जो हम बात कर रहे थे, व्हाट हैपेंड इज जब मेरा रीजनेबल ठीक ठाक चल रहा था एंड मैंने हस्बैंड को बोला एंड ही टचवुड उनका ही इज लाइक ऑन अ वेरी गुड प्रोफाइल. So he said ke I should also start doing this and he was reasonably doing expiry to expiry tab kar lena kabhi kabhi jaise like you know when he is not working or he is taking an off to ye kar liya sab kar liya. So he said ke future mein mujhe na yahi karna hai. So let us start exploring this road.
अब हमने इसमें 2 साल निकाल दिए एंड लास्ट ईयर ही सेड ओके नाउ इट्स अ कॉल फॉर मी आई एम डूइंग ट्रेडिंग. I said, you were struggling for a position from last 15 years. Now that you have achieved, so you have like, you know, bus pe chad gaye ho. Ek CA ka jo target hota hai, ek partner banna, ek achhi firm ka, wo aapne le liya hai. Now, don't wait ke main aur 10 saal baad trading kar lunga. Abhi nahi to kab? You know, you have to do it in this life. Hame kal ka pata nahi hai, to regret karke nahi jana hai. अगर आपको करना है तो आप करो. सो ही टॉक टू हिज ऑफिस एंड ऑल ही सेड के मैं करूंगा एंड नाउ या ही इज इन गुड हैंड्स बिकॉज़ यही नहीं मैं सराउंडेड ही इज सराउंडेड बाय पीपल हु कैन एक्चुअली स्टॉप हिम कि बॉस यहां पे गलत हो रहा है इसको आप ठीक कर लो. यही मैं आपको बताती हूं. यहां पे अब लोग बोलते हैं ना मेंटरशिप और क्या. व्हेन आई स्टार्टेड मेंटरिंग हिम ना ऑफ कोर्स यार सबसे पहले तो आप एक हस्बैंड को तो अब सब चीज हमें सब चीजों से गुजरना पड़ा. वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मेल और फीमेल वाला ये मतलब इट हैपेंस विद एवरीबॉडी इट हैपेंस विद एनी कपल. तो वो सब था मैंने उनको सिखाना. फिर वी ट्राइड के वो किसी और से मेंटरशिप लें तो वो अपनी फेस से चल रहे थे. ऑफ कोर्स वो आपको 100% देगा लेकिन 100 में से कुछ काट लेगा. समझ रहे हो जो दूसरे वाला मेंटर. आई सेड ये तो मुझे भी पता है बाहर से क्यों सीख रहे हो मैं बता रही हूँ ना आप वो करो. देन ही सेड ओके जो नया वो एक्सप्लोर करते थे ना ही एक्साइटेडली कमिंग टू मी एंड देख मैंने ये ढूंढा एंड आई वाज लाइक यार ये हम करके ना फेंक चुके हैं हम ये पीछे कर चुके हैं. ऑफकोर्स यू कैन रिलेट टू इट रोहित कि हम ये जब चीजें कर चुके हैं. आई कैन बिकॉज़ पता व्हाट आई फील इज होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. कल मैंने कुछ ग्रुप्स को एज अ मेंटर लिया है ठीक है. एंड फर्स्ट थिंग यू नो मैंने उन लोगों को क्या बोली है मैंने कहा इस फ्राइडे तक यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी ट्रेड ठीक है. एक्सपायरी खत्म हो रही है एक दो दिन डाटा सेटल होने को लगेगा उसके बाद हो सकता है 3-4 दिन और लगेंगे FNO का डाटा सेट होगा अगले महीने में मार्केट ने कहाँ जाना है इट विल डिसाइड. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ट्रेड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी एनालिसिस. अगर एनालिसिस देने के लिए मेरे पास टाइम हुआ आई विल टेल यू जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग बोर्ड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू समथिंग which you want to hear actually, ठीक है? So पहले उस चीज़ के लिए अपनी expectations को वहाँ पे रखो. Now there will be time जब बोलते हैं ना कि ये वाला method हम लोग करके देखते हैं, नहीं, it's wrong. Then they will come again, ये वाला method करके देते हैं, it's wrong. Then वो चीज़ 5-6 बारी होगी and you will say नहीं, it's wrong because you have seen it. तो कहीं ना कहीं पे ultimately the market is you know human behavior, market psychology yes. actually. It yes. hits you. यार मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब कुछ गलत है. इसका मतलब जो मुझे बता रहा है वो चाहता नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करूं. दिस थिंकिंग एग्जैक्टली यस दिस थिंकिंग कम्स इन माय वे यस. सो एंड आई वाज लाइक के यार जब मैं तुम्हें बता रही हूं तो तुम घूमते क्यों जा रहे हो. देन लाइक यू नो वो होता है ना मैं टिपिकल वर्ड यूज करती हूं घर की मुर्गी दाल बराबर. या तो वो लिया गया आई मीन इट वाज वेरी नेचुरल आई एम नॉट अपसेट अबाउट इट. Then, like you know, और हमने दिल्ली ट्रेडर मीटअप किया तो कुछ और नए फ्रेंड्स बने. तो यहाँ पे फरीदाबाद में भी कुछ ट्रेडर्स हमारे फ्रेंड बने. Then, वो उन्होंने समझाया हस्बैंड को कि सर जो ये आपको बता रही है इससे समझो जब हम आपको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं शॉर्टकट दिखा रहे हैं तो आप गोल 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 घूमते क्यों जा रहे हो यू टर्न क्यों ले रहे हो आप. आई थिंक वो मार्केट की साइकोलॉजी है वो हर किसी को इस चीज में इंड्यूस करती है. किसी को बताने लगता हूँ ना कुछ भी वो मेरे को कहता है ना कि मेरे को स्टॉक मार्केट समझ नहीं है यार. मैंने कहा मैं तेरे को 2 चीजें बताऊंगा उसके बाद तुझे ना मेरी जरूरत पड़ेगी ना किसी और की जरूरत पड़ेगी. पिक अप अ कॉइन डू 100 toss एग्जैक्टली हेड आएगा यू अर्न 100 टेल आएगा यू लूज 50. मैंने कहा काउंट करके देख तेरे को सारी गेम समझ में आ जाएगी. दिस इज एक्सपेक्टेंसी ये तो चीज है. चलो एनीवेज ठीक है हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है उस चीज के अंदर. ओ दिस हैपेंस नाउ लाइक यू नो बट हमें ये लगा कि नाउ व्हाट हस्बैंड आ गए इस प्रोफेशन में ब्रेड एंड बटर तो अब यहीं से निकालना है क्या करेंगे. तो व्हाट आई आस्क हिम ओके मैं एक स्टेप आगे चलती हूँ आप मुझे फॉलो करो यू नो एंड यू हैंडल जो मेरा सरप्लस चीजें थी. योर जॉब इज नॉट टू मेक रियली गुड मनी योर जॉब इज टू सर्वाइव एंड मेक
छोटे 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 पैसे बनाते रहो एंड सर्वाइवल करो कि आपने 10 में से 6 दिन जीतना है, दैट्स इट. एंड यू नो व्हाट रोहित, आई बिलीव इज सिंपल आरएमएस अगर कोई समझ जाए ना, इवन अ बिगिनर, तो उसकी लाइफ गेम चेंजिंग है. यस, व्हाट कि आपने 10 बार ही ट्रेड लेना है. एक बेसिक मैथ्स है, इवन माय 12 ईयर डॉटर कैन अंडरस्टैंड. 10 में से आपको अगर 6 बार जीतना है ना, उस जीतने के लिए आपको हर 6 बार 100 रुपए कमाने हैं और जो 4 बार हारना है 25 रुपए देने हैं. ये बेसिक मैथ्स अगर कोई समझ ले. प्रॉब्लम क्या होती है, हम उस जो 4 बार लूजिंग है ना, उसको ना जीतने की मतलब विनिंग में लगे रहते हैं कि नहीं कैसे तूने हमसे 25 रुपए ले लिए. अगर वो 25 और उसको रोक लोगे ना, बैक टेस्ट करके देख लो, तो नेट में यू आर प्रॉफिटेबल. मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ. इन 2012 ना, मतलब जब 2009 में थे ना, तो मुझे मेरे डैड ने एनफील्ड ले दी थी, ठीक है. बट दैट वाज अ सेकंड हैंड एनफील्ड जो मेरे ब्रदर के पास से मेरे पास आई थी, ठीक है. एवरी पेरेंट द फियर कि हाँ आप अपने बच्चे को बाइक लेके दे रहे हो, ये तो जहाज बनेगा, कहीं ना कहीं पे पड़ेगा, ठीक है ना. सो इन 2012 आई वाज लाइक कि पापा मैंने अपना लेना है, नया बुलेट लेना है, ठीक है, जस्ट गिव मी दैट, ठीक है. उन्होंने लेके दे दिया मुझे, बट ही टोल्ड मी वन थिंग. और उस टाइम पे हम लोग स्टॉक मार्केट लर्न कर रहे थे, ठीक है. He said, बोलते बेटा एक बात ध्यान रखना, जब आप सड़क पे बाइक चलाते हो ना, इट इज नॉट लाइक कि आपके 3 या 4 एक्सीडेंट होंगे या 10 एक्सीडेंट होंगे. टू चेंज योर लाइफ ओनली 1 विल बी इनफ. राइट, उस टाइम पे इट मेड सेंस अबाउट द लाइफ कि ठीक है यार, एक एक्सीडेंट होगा, यू विल बी आइदर गॉन और यू विल बी क्रिपल्ड. बट दैट इज एग्जैक्टली द सेम विद मार्केट्स ऑल्सो. Exactly. एक लॉस होगा पूरा खा जाएगा. मैंने देखा है ना, मैंने वो केतन पारक वाला भी देखा है, फैमिलीज में देखा, सब देखा क्या हुआ. बिकॉज और जो डीप लॉसेस होते थे, तो मम्मा से बात करती थी, भाई डिप्रेशन में है, मतलब वो सिनेरियो देखा है, मतलब वो उनके लॉसेस नहीं होंगे, उनके क्लाइंट के लॉसेस होंगे, बिकॉज वो लोग सब ब्रोकर्स है. But then look, 2020 से लेके अभी तक, I think even 2017-18 के बाद से market बहुत ज़्यादा evolve कर चुकी है, ठीक है. You know 2018 में premiums कुछ और होते थे, even bank nifty की movement कुछ और होती थी. And then 2020 के अंदर COVID आया, उसके बाद एक नई regime शुरू हो गई. 2020 के बाद फिर एक period शुरू हुआ which was actually 920 straddle. 2021 में वो बंद हो गया, फिर 2022 में फिर चेंज हो गया, फिर लास्ट ईयर EBS आ गया, ये आ गया, वो आ गया. सो हाउ एग्जैक्टली डू यू ट्रेड नाउ? सो नाइट नाउ देखो, आई कॉल मायसेल्फ द गिरगिट. ओके, आई चेंज एज पर मार्केट एंड व्हाट आई से एंड सजेस्ट. अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि ये प्रीमियम्स खत्म हो जाएंगे, ऑप्शंस का काम खत्म हो जाएगा, साइड के मार्केट कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी. बदलते yes. मौसम के साथ कपड़े बदलते रहो, yes. अपने आप को चेंज करो. सो दैट इज माय प्रैक्टिकल विजन राइट नाउ आई एम डूइंग. सो आई एम टोटली अ थीटा बेस्ड ट्रेडर, आई एम टोटली अ 100% स्ट्रैंगल स्ट्रैडल प्लेयर, और मेरे से इससे दूर ट्रेडिंग ही नहीं होती है. What I have seen is that you are very good at managing the trades through intraday, yes. and you don't carry any positions. How do you do it exactly? Matlab, what is your framework to work? My framework is like I invest just 5 to 10 minutes in a day, or last like you know before sleeping. कि मुझे बस कल का सिनेरियो देखना है, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, बेसिक विजन मैं बना लेती हूँ. उसके बाद when the markets open, my trades open instantly. 9:15 तो कुछ सेकंड्स में आई ट्रेड मैन्युअली. एल्गोस पर मेरा चल रहा है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है, टेस्टिंग है या ऐसे है. मोस्ट ऑफ माई मनी आई एम मेकिंग इज मैन्युअली. तो व्हाट आई डू इज आई एंटर विद वेरी लेस कैपिटल. अगर मान लो मेरा कुछ कैपिटल है, उसका मैं 15% या 20% से एंटर करती हूँ, मेरा जैसे बोलते हैं ना स्वाद को चखने के लिए कि क्या बिहेवियर रह गया. उसके साथ साथ आए मार्केट देखती रहती हूँ, चार्ट्स देखती रहती हूँ. एंड आई मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेडल्स के चार्ट देखना. ओके, मैं स्ट्रेडल्स के चार्ट्स को देखती हूँ और मेरे को
ये कहते हैं ना कि होमवर्क मेरा करा हुआ काम आ रहा है, कि मेरे को सचिन गुप्ता जी ने एक होमवर्क करवाया था कि तुझे विक्स के साथ, किस विक्स पे स्टैडल क्या ओपन हुआ है, क्या क्लोज हुआ है, किस डे पे, वो बाय हार्ट याद होना चाहिए। सो आई नो, ओके, मैंने ये क्वेश्चन का ये डेटा मैनुअल बनाया था, ये बाय हैंड बनाया था, एंड नाउ मेरे को ये पता होता है कि ये इतना ओपन होगा तो इतना क्लोज होगा। सो माय साइकोलॉजी इज, अगर ये आज इतना ओपन हुआ है, अगर वो 15 मिनट्स में इतना डीके आ गया है, सो मेरी साइकोलॉजी अपने आप ही बन जाती है कि नेक्स्ट उसके पास 5 आवर्स है इतना डीके करने के लिए, वो कैसे करेगा, यू नो, कि वो स्मूथ रहेगा या वो जगल करेगा। और अगर वो 9:45 तक उसने अच्छा डीके दे दिया है, मान लो 15% है या 20% है, तो व्हाट आई डू इज आइदर मैं टाइट एसएल लगा के बाहर हो जाऊंगी, ट्रेल करके उसको बाहर हो जाऊंगी, एंड आई विल वेट कि कब वो, जैसे टिपिकल ट्रेडर्स करते हैं, स्पाइक आएगी तो हम एंट्री लेंगे, ये वो ऐसे सब करते हैं। और अगर मुझे लग रहा है कि वो स्लो 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 डीके आ रहा है, तो आई विल स्टे इन द मार्केट, पोजीशन साथ साथ बढ़ाती जाऊंगी, डिप्लॉय करती जाऊंगी। एंड तीसरा व्हाट आई फॉलो इज कि मैं अगर एटीएम के स्टैडल्स पे बैठी हूँ, तो व्हाट मैं मार्केट को ट्रेंड बनाने की वेट करती हूँ। ट्रेंड अगर बन गया तो मैं ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसको ट्रेंडिंग में ले जाऊंगी। सपोज कि मैंने स्ट्रैडल एंटर किया है और मैंने उसको 20% के लेग में एसएल दे दिया, फॉर एन एग्जाम्पल, और वो ट्रेंड पकड़ लिया, तो मेरी कॉल कट गई, ओके, एंड पुट इज रनिंग, तो पुट को मैं छोड़ दूंगी, एंड आई विल वेट मार्केट टू सेटल। जहां मार्केट सेटल हुई, नाउ मैं उसको, ये नहीं है कि पुट को ओपन छोड़ दूंगी, नाउ आई विल अगेन एंटर टू द स्ट्रैडल, इट मेक्स दोबारा, इट मेक्स सेंस, हां मेक। और उसको मैं, मेरा मेन जो है ना यूएसपी रहती है कि मैं चार्ट के साथ कोरिलेट करती हूं। शिखा, आई रिक्वेस्ट ना, मैं ये एक प्रोसेस देखना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर इनटू द मार्केट, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग एट, वेयर एग्जैक्टली आर यू लुकिंग द चार्ट्स, स्ट्रेडल्स कहाँ पे देख रहे हो, फिर उसके बाद चार्ट्स कहाँ पे देख रहे हो, एंड लेट्स से इफ वी लुक एट द मार्केट ऑफ फ्राइडे, देन ऑन अ 5 मिनट चार्ट्स व्हेन इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज अभी कल की बात है, so it might be in your mind ki what was going on and what was your thinking, I want to see that, so that you know traders can know ki ek intraday trader is tarike se itna kuch kar raha hota, that is what I want to see. Can you share your screen with us? Main apni screen sharing band kar raha hu, aap apne aap screen share karo jo bhi aap dikhana chahte ho. So this is like my basic bank nifty chart one day pe, so I don't use any indicator, theek hai, I am basically wo reverse mean wala hota na, wo mujhe zyada pasand hai, तो और कोई इंडिकेटर नहीं रहता इसको, मैं वन डे पे कुछ अपने, मैंने रेंज लगा दी। अब इसके लिए ना प्लीज मेरा कोई वो नहीं है, जैसे मैं, व्हाट आई बिलीव इज कि जो तुम्हें सूट करे ना वो करो, इट्स वर्किंग फॉर मी, ठीक है, या हाँ इट्स वर्किंग फॉर मी कि ये रेंज है, ये इसके बीच में मार्केट रहेगा, तो मैंने इसको वन डे पे किया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा 15 मिनट्स पे मैंने इसको ओपन किया, उसमें मैंने जैसे लाइंस ड्रॉ कर ली के, ओके, यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दिस इज वर्किंग फॉर मी, एंड इट माइट साउंड के ये क्या है, ये क्या बता रही है, बट दिस इज लाइक एक्चुअली वर्किंग फॉर मी, नो इट इज नॉट ऑकवर्ड, इट मेक्स वेरी मच सेंस, बिकॉज मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग याद है पहले बात कर रहे थे, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट कि हमें लेवरेज मिलती होती थी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, राइट, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उस टाइम पे एक टूल होता था, आप बेसिकली रेंज लगा सकते थे कि आज की रेंज ऊपर तक की कहां पे है, इट यूज्ड टू बी इन ग्रीन एंड रेड, तो जब मैं अपनी एक्सपायरी ट्रेडिंग के ऊपर काम करता होता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मेरे दिमाग में होता था कि यार मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं, आई एम सेलिंग द ऑप्शंस, और मुझे ये व्हाट वी से 25 कैंडल्स निकालनी है आज के दिन में, 25 कैंडल्स तक my sold option should be out of this range. अगर पिछले दिनों में मार्केट लेट से 300 पॉइंट मूव कर रही है, तो वर्स्ट कितना हो सकता है, 900 पॉइंट जा सकती है या 450 पॉइंट जा सकती है, वो 900 पॉइंट आने से पहले ना कि अब यहां तक सेफ हो,
कि यहाँ पे सपोर्ट आ रही है, ये ऊपर चला गया ना तो पुट नहीं रहनी चाहिए, ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे कॉल नहीं रहनी चाहिए. सो आई कैन अंडरस्टैंड. सो हाउ डज इट गो विद योर माइंड हियर? ओके, सो यहाँ पे मैंने सपोज ये 15 मिनट्स पे, अगर कल तो मैंने सेंसेक्स ट्रेड किया था, सेंसेक्स एंड उसका तो मैं उसका चार्ट मुझे समझ नहीं आता, तो आई कोरिलेट विद बैंक निफ्टी. ओके, हाँ आई नो इट्स ऑकवर्ड बट उसका चार्ट मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए तो मुझे एक फेयर आइडिया चाहिए होता है मार्केट क्या बिहेव कर रही है. सो व्हाट आई डू इज यहाँ पे मैंने 9:15 पे एंट्री लिया है, तो मैंने ये रेंज ड्रॉ करके रखा हुआ है अगर, और उसके बाद मेरे सिस्टम पे SL चल रहे हैं. अगर ये मेरा अभी अब ये देखोगे रेंज बाउंड है, तो व्हाट हैपनिंग वाज यस्टरडे इज के ऊपर जाने पे तो कॉल के SL कट रहे हैं, फिर वो वापस नीचे आ रहा है. तो यस्टरडे व्हाट वाज हैपनिंग इज री एंट्रीज बहुत ज्यादा हो रही थी, मुझे बार बार जो है ना मार्केट में रहना पड़ रहा था. एंड व्हाट आई वाज डूइंग इज एक साइट है मार्केट हॉन्ट करके, उन्होंने लाइव स्ट्रैडल्स देते हैं. ओके, वहां पे ना यू कैन इजीली सी लाइव स्ट्रैडल्स, स्ट्रैडल्स के ग्राफ आते हैं. पता नहीं मुझे ऊपर मिल क्यों नहीं रहा है. तो पर एक बात बताओ मुझे, अगर आपने सेंसेक्स को कोरिलेट करना है तो वो निफ्टी के साथ ज्यादा अच्छा नहीं होगा? पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि वो निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो उसकी वेटेज जो है ना 30 की है, जैसे 70,000 का इंडेक्स, 70,000 का इंडेक्स है, एंड दिस इज लाइक बैंक निफ्टी इज अ हैवी लाइक 48,000, और निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहेवियर होगा ना कैंडल्स का, ज्यादा स्पाइक्स का, बड़ी है छोटी है, वो सेंसेक्स में मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी, कंफर्ट लेवल मेरा उस पे ज्यादा आ रहा है. ओके, इनफैक्ट अगर मैं निफ्टी भी ट्रेड करती हूँ ना, मैं बैंक निफ्टी को साथ में रिलेट करती हूँ हमेशा. ओके, ओके. अगर आप मार्केट हाउंट का चार्ट देखोगे ना, उसमें लाइव आते हैं. लेट मी टेल यू दिस टू एवरी स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल प्लेयर्स, उसको प्लीज वॉच करो, फ्री में दे रहे हैं वो, ठीक है? मतलब वो जन्म गुट्टी है, सीरियसली बता रही हूँ. वो आपको पूरा लाइव दिखा रहा है कि आपका चार्ट कहाँ जा रहा है, स्ट्रैडल इस समय क्या. कौन सी साइट है, कौन सी साइट है? हॉन्ट, मार्केट हॉन्ट. मेरे बाकी लैपटॉप्स पे वो बुक मार्क हो रखा है, नॉट एबल टू फाइंड ओवर हियर. अगर मेरी रेंज के अंदर से ये मार्केट टच कर रही है और स्ट्रैडल ऑफकोर्स वो बढ़ गया है, और मेरी इनिशियल एंट्री में आइदर क्या हो चुका होगा, या तो मेरा वन साइड का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, ठीक है? और What happens, जैसे ये कल हुआ था सेंसेक्स में, कि आपकी कॉल तो भागी थी ऊपर, आपने देखा होगा इनिशियली मार्केट ऊपर गई है, कॉल्स में तो SL हिट हुआ बट पुट्स में डीके नहीं आया था. तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो MTM लॉस है ना, आपने इनिशियली एक माइंड मेंटली सेट किया होता है, यू नो यू डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट योर डे विद 1% लॉस और समथिंग लाइक दैट. आप एक 0.1, 0.2 ऐसे ही तो दोगे. तो मैंने जो वो डिसाइड किया हुआ था वो मेरा इनिशियली हिट हो गया. ओके, ठीक है. तो नाउ आई एम वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर कि मेरे को एक ही बारी में ना सारे अपने एग्स है ना वो ब्रेक नहीं करने, मुझे एक एक करके करने. अगर मैंने दिन में 1% दिया हुआ है तो मैंने उसको बाकी टाइम में सर्वाइव करके एज अ विनर भी वापस आना है, सुबह ही नहीं मैंने सब कुछ दे देना. अगर कोई बंदा 10 लाख के साथ ट्रेड कर रहा है, he has decided कि मेरा आज के दिन में 1.5% का स्टॉप लॉस is something I am going to take, ठीक है, that is 15,000 rupees. What you will do exactly is कि decide कर लोगे कि यार नहीं, पहली ट्रेड में तो मेरे को 3,000 का स्टॉप लॉस देना है, so that I still have a 12,000 with me, जिसको मैं stop loss ले सकती हूँ आज के दिन. Exactly. और उसको आप correlate करो जो straddle chart है उसके साथ कि कितना DK आया है. So if you make a psychology के अभी भी उसमें premiums बाकी हैं, so you have a chance to like you know आप ICU में अभी पहुंचे नहीं हो, सिर्फ अभी चोट लगी है, तो आप वापस आ सकते हो. So that is how my psychology works. मैं उसको वॉच करती रहती हूँ, एंड व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट आई फेल कि यहाँ से रिवर्सल्स आएंगे,
I entered now with my, like, you know, guns and all, pura quantity, धीरे धीरे shoot करना शुरू कर देते हो. And ऐसे ही मेरे को जैसे ही पैसा बनता है, एंड आई डोंट स्टे फॉर द एंटायर डे. सपोज के मेरे को 0.3 या 0.4 बन गया है, आई विल मूव आउट 11-12 एक बजे तक, ठीक है? बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद का जो फेज होता है ना, वो सर्वाइवल होता है. लास्ट जो 1 आवर होता है ना, दैट इज अगेन टू मेक मनी. सो वाई शुड आई स्टे इन एंड वो ना, उसमें से मैं 5-5% के 2-2% के दोबारा अपना एसएल दे दे के अपना प्रॉफिट क्यों कम करूं? Yes. Because I am a discretionary manual trader. This is my edge. I am not putting in an algo. मेरी algo work कर रही है, तो उसके लिए मैंने अलग definition दे रखी है. ये मैं हूँ, तो I can, like, you know, nobody is there to ask me. So मैं ये follow करती हूँ. And after that I stay out. And मेरा second entry रहता है 2 बजे के बाद. उसमें मैं बहुत aggressive player हूँ. And sometimes what happens is मैं hedges लेके leverage भी मार देती हूँ उसमें, because my psychology again depends कि straddle में कितना पैसा अभी बाकी है. Let me share you one thing कि last 2023 में what happens was premiums अभी भी कम है. What changes have come in 2023 से 2024 में, क्या changes आए हैं? जो मेरी observation है, स्ट्रैडल प्रीमियम्स थोड़े से बढ़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से बढ़े हैं कंसिडरिंग 2023. बट उनका बिहेवियर ये चेंजेस हुआ है. पहले मैक्स डीके आ जाता था मॉर्निंग में, यस, अभी आता है दिन में. एंड पहले लास्ट के हाफ एन आवर में सिर्फ वो बोलते ना, जूस निकालने के बाद रफेज, वो होता था. अभी क्या है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन लास्ट वन आवर. तो ये चीजें व्हाट आई एम टेलिंग, लाइक यू नो, बता रही हूँ कि ये मैंने ऑब्जर्व कर करके सीखी. आई एम अ गिरगिट इन द मार्केट. आई विल ऐड माय टू बिट्स हियर बिकॉज आई कैन कंकर विद इट. यू नो, पहले क्या होता था ना, कि आप जब सुबह से बैठ के ऑप्शन सेल करना शुरू करते थे ना, इट यूज टू डिके वेरी स्मूथली. सो अगर आपने मान लो 20 रुपए की ऑप्शन सेल की है ना, एंड बाय 130 it will be trading at around 6 rupees 5 rupees, and you can easily put your stop loss at around 12 and say ki ha ab main usko decay hone dunga. Aaj kal kya ho raha hai, that if you're selling an option for 30 rupees, wo 2 baje tak wo 30 rupees hi hai. 30 rupees hai wo, no, that is spice, not a challenge. Spike maar rahi hai, ho ke aayi hai. Yes, and so, you can't survive. And let me tell you, that is not only happening in the intraday, that is happening on positional weeklies also, जहाँ पे वो 30 से 120 जाके फिर 30 पे वापस आ गई हुई है, ठीक है? But yeah, I can correlate what you are saying here. Okay, because normal trader के लिए क्या होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं कि ट्रेड उसको करना नहीं आता, उसको ट्रेड करना आता है, बट टू गेट दैट साइकोलॉजी कि बॉस 11 से लेके 2 बजे तक मार्केट में कुछ नहीं होना, you have to sit out and you don't have to put any order, that is the challenge. वो उसके लिए मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती हूं, ही सिटिंग नेक्स्ट टू मी जब एन वी आर ट्रेडिंग, तो ही इज लाइक ये सीरीज देख ले. एंड थैंक्स टू ट्विटर, एवरीबॉडी ऑन ट्विटर, यू नो दैट्स व्हाई आई एम अ ट्विटर क्वीन, कि मैं उस पीरियड में मेरी ट्विटर वाली शुरू हो जाती है. मैं बताता हूं आपको, यू नो आई एम टॉकिंग विद यू है ना, एंड यू से रोहित 3:30 बजे के बाद बात करेंगे, ठीक है? एंड देन आल्सो यू हैव टू डू लंच. मैंने अभी कल भी किसी से बात की थी ट्रेडर से, एंड ही सेड यार 3:30 बजे के बाद बात करेंगे. और एंड आई एम फीलिंग लाइक यार मैं अकेला ऐसा हूं कि जो मार्केट टाइम में फ्री बैठा है, बिकॉज मेरे इंट्राडे के अंदर सारे एल्गोरिथम्स में हैं, और जो मैं कर रहा हूं पोजिशनली डैट इज ऑन टू द स्टॉक्स, और उसके ऊपर मैं 3 आवर का चार्ट फॉलो करता हूं, ठीक है, या 2 आवर का चार्ट फॉलो करता हूं. सो मुझे होता है कि मुझे दिन में 2 बार देखना है, वो भी कैंडल क्लोज के आसपास, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में पड़ा हुआ, सो आई एम फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम. बट यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए when you are working for a 6 hour time window, yeah, so jab aapke paas ek 6 hour ki window hai, uske andar se you have to say ki yaar 3 ghante main chhod raha hu because nothing is happening, that is a big psychological challenge, I think. ye dekho main batau bolungi Rohit, meri bhi algos chal rahi hai, main bhi positional swing trading kar rahi hu, sab kuch kar rahi hu, like main na bhel puri bana ke chalti hu, sab kuch karti hu. वॉट मतलब मेरा विजन ये है कि अल्टीमेटली इज टू मेक मनी, कैसे भी बनाओ. मेरा मंथ एंड बस
पॉजिटिव उठना चाहिए. मेरे को बस घर में ना वो ब्रेड एंड बटर लाना है कहीं से भी आए एंड nobody is to ask me. मैं किसी को answerable नहीं हूँ बस. That's it. But so but उसके लिए मुझे 15 साल हो गए ट्रेड करते हुए, ठीक है. यू हैव बीन ट्रेडिंग फॉर लास्ट 20 इयर्स, ठीक है. समबडी कम्स टू मी एंड टेल्स मी ना यार मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है. तो अगर कोई 5-6 साल से कर रहा है तो मैं उसको पता क्या बोलता होता हूँ. मैंने कहा यार बात सुन, यू आर गोइंग टू एज, ठीक है. यू आर गोइंग टू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. एक टाइम आएगा योर रिफ्लेक्सेस विल स्लो डाउन ऑन कंप्यूटर. डू यू सी योरसेल्फ ट्रेडिंग ऑन अ 5-मिनट चार्ट एट अ टाइम व्हेन यू से कि हाँ लेट्स से अब शायद यू आर गोइंग टू वेयर स्पेक्स, यू आर गोइंग टू गेट स्लो विद द टेक्नोलॉजी, देन हाउ डज इट मेक सेंस कि रादर देन विद टाइम यू आर नॉट इवॉल्विंग इनटू अ पोजिशनल ट्रेडर, बट फ्रॉम पोजिशनल ट्रेडर यू हैव गॉन इनटू एन इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप ऑफ थिंग. सो वो माइंडसेट कैसे वर्क करता है? पोजिशनल इंट्राडे, देखो आप 100, मैं 100% तो पोजिशनल ऑफकोर्स कभी भी नहीं बनूंगी मुझे जो लगता है अभी तक. बाकी okay. होता है ना इंसान है कभी भी पलट जाता है. तो स्विंग और वो उसमें मेरा 100% कैपिटल को डिप्लॉय करके मैं नहीं पीसफुली सो सकती, ठीक है. okay. मुझे जो लगता है. और इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइक अ गोइंग टू अ स्कूल. फॉर मी इट्स लाइक अ गोइंग टू अ स्कूल बिकॉज ऑप्शंस का क्या बिहेवियर चल रहा है, कैसे सर्वाइव करना है, मेरी एल्गो में कैसे लॉजिक्स देने हैं. मैं सबको बोलती हूँ एंड माइट बी 90% ऑफ द व्यूअर्स वोंट एग्री टू इट, बट दिस इज वर्किंग फॉर मी. मुझे लर्निंग वहीं से मिलती है, मुझे वहीं से मिल रहा है, मुझे वहीं से समझ आ रहा है बिहेवियर. इफ आई एम हेयर गिविंग यू माई इनपुट, वो मैंने बाहर बैठ के नहीं ली है, वो मैंने एक एक मिनट की कैंडल को एक एक मिनट के, इसीलिए मैं मैनुअल करती हूँ. एंड एवरीबॉडी इज लाइक तो क्यों अपनी लाइफ ऐसे कर रही है, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही है, बट अगर मैं नहीं करती हूँ ना मुझे ऐसे लगता है ब्लैंक. माय ब्रदर्स आर ट्रेडिंग फ्रॉम लाइक लास्ट 20 इयर्स, मैंने ब्रेक लिया, उन्होंने नहीं लिया, स्टिल इन द मॉर्निंग दे कॉल मी अप एंड आस्क मी कि आज ट्रेडल क्या खुलेगा, आज क्या बंद होगा. दे उसको पता है कि इसको बाय हार्ट पता है, ही इज लाइक कि इसका ना स्टील हार्ट है, ये इंट्राडे भी कर सकती है, ये स्ट्रैंगल स्ट्रैडल भी कर सकती है. दे हैव नेम्ड मी लाइक झांसी की रानी ऑफ द फैमिली, ये ही कर सकती है. बट मुझे उसमें डर लगना बंद हो गया है. और आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे रोहित, अगर मैं 5 रुपए वाली ऑप्शन बेचती हूँ ना, मेरी माय लेग स्टार्ट शिवरिंग एंड माय हार्ट इज लाइक, मेरे हस्बैंड करेगा ना, बोलेंगे क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो यार 5 रुपए वाली ऑप्शन बेच के, कौन बेचता है 5 रुपए की ऑप्शन. 5 रुपए वाली ऑप्शन बेच के आई हैव हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मैंने निर्मला सीतारमन वाली कैंडल झेली हुई है जहाँ पे यू नो मेरी 10 रुपीज की ऑप्शन सेल की हुई 750 पे पहुंच गई थी. एक बार शेयर इंडिया में मेरे सामने हुआ था व्हेन आई वाज वर्किंग ओवर देयर के 2 रुपए वाली ऑप्शन सीधा 200 लगी थी एंड दैट हैपेंड आफ्टर 315. ओके, तो उसके लिए जन्म घुट्टी बनी है स्टॉप लॉस. सिस्टम में लगाओ भाई, सिस्टम में लगाओ. आई थिंक बहुत 20 साल का एक्सपीरियंस है, आई थिंक बहुत चीजें निकल के आएंगी एंड इसका ना कभी बैठ के हम लोग एक दूसरा सेशन भी करेंगे जो मंथन करेंगे बैठ के कि क्या होता है. बट फॉर नाउ जैसे हम लोग इस एंड पे पहुंच रहे हैं ना, वट आई फील लाइक इज यू टेल मी इफ यू यू कैन रिलेट टू दिस. जब हम लोग स्टार्टिंग में अपनी ट्रेडिंग लर्न कर रहे थे ना बैठ के, उस टाइम पे ट्विटर नहीं होता था, होता था बट ट्रेडर्स वहां नहीं होते थे. ट्रेडर्स यूज टू बी सिटिंग ऑन द फोरम्स एंड व्हाट दे यूज टू से इज कि वी हैव सीन बिग ट्रेडर्स एंड वो लोग 10 स्टॉक से ज्यादा नहीं देखते, उसके चार्ट्स नहीं देखते, उसका उनके सामने सिर्फ उनकी एक मार्केट वॉच रहती है. उस मार्केट वॉच के अंदर सिर्फ LTP आ रहा होता है, बिड ऑफर आता है, हाई लो आता है. एंड कहते हैं कि उन ट्रेडर्स की एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा हो गई हुई थी दैट जस्ट बाय लुकिंग एट हाउ द बिड एंड ऑफर आर स्क्वीजिंग और एक्सपेंडिंग दे इमीडिएटली यूज्ड टू नो कि मार्केट ऊपर जाने वाली है कि मार्केट नीचे जाने वाली है. एग्जैक्टली दे यूज्ड टू टेल देयर ब्रोकर
सामने बैठ के, मतलब दे यूज टू बी 70 इयर्स ओल्ड गाइस, 60 इयर्स ओल्ड गाइस, जो बैठ के लड़कों को बताते थे ऐसा हो रहा है अब कर दे, बाय कर दे, सेल कर दे, एंड दे वर सुपर प्रॉफिटेबल. सो आई थिंक व्हाट यू आर टेलिंग इज अबाउट स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स द वे यू सी इट. It takes a lot of experience. It takes a lot of watching. It's not as simple as the market में आए और उठा के straddle बेच दिया, strangle बेच दिया. You need to have a. मेरे को कभी किसी के मुंह से मैंने सुना था कि सिर्फ बेचना है ना वो काम तो हमारे office का peon कर देगा. Yeah. बेचना is not just the game. Yes. कभी थोड़े दिन पहले मैं Twitter पे पढ़ रही थी कि किसी ने दो दो रुपए वाली option बेची और चले गए. कुछ निफ्टी का था, I mean, हुआ था, I don't हुआ know. था, and वो पैसे लगे. अगर यही करना होता ना तो literally I had even staff at my home, वो मेरे बिहाफ पे कर देते. But, सब काम कर रहे हैं मेरा तो ये भी कर देते. ठीक है, my point तो, is, management. Yes, management is the key. Yes. चाहे बेशक आप उसको algo से करवा लो, बेशक आप उसको manually करवा लो, and there is no जजमेंट हमें कि ये बेटर है ये वो बेटर है. कुछ भी वर्क करता है. इट इज लाइक आई एम वेरी ओपन मेकिंग मनी फॉर यू. इफ एनी थिंग इज चर्निंग मनी फॉर यू. इवन आई नो पीपल आज भी लाइक मैंने कैश एप आर्बिट्रेज से स्टार्ट किया था तो जिनसे मैंने उस टाइम पे सीखा था आज वो लोग आज भी उसमें कर रहे हैं, आज भी वो पैसा कमा रहे हैं. एंड व्हेन आई टॉक टू देम देयर से कि शिखा हमें नब्स पता है कि इसका बदला इतना मैक्स है एंड इतना कम है एंड दे आर मेकिंग लाइक रीजनेबल मनी. या दिस इज हाउ एक्सपीरियंस. या सो बिकॉज़ मैंने ये बात इसलिए बोली ना बिकॉज़ देयर आर मेनी ट्रेडर्स हु माइट बी वाचिंग दिस. दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन शिखा इज सेइंग कि वो इस तरीके से मैनेज करती है, हर स्टॉप लॉस इज क्लियर इन हर माइंड. शी नोज उसको कब उठना है मार्केट से. शी नोज कि किस स्ट्रैडल प्राइस पे शी इज गोइंग टू एंटर. शी नोज कि वो प्राइस कहां तक गिरेगा, वहां पे मुझे एग्जिट ले लेना है. एंड शी इज वेरी क्लियर कि अगर मुझे 2 बजे के बाद एंटर करना है तो अगर कंडीशंस सही नहीं है आई एम नॉट गोइंग टू एंटर. आई एम ओनली गोइंग टू एंटर व्हेन इट इज माय प्लेइंग फील्ड. वो मैं इसका नमस्ते ऐसे हाथ जोड़ के आज मेरा दिन नहीं है. एंड मेरा देखो मेरा सिंपल मेरा डे का जब मेरा डे स्टार्ट होता है सिंपल मेरा एक जब बोलते हैं ना आप क्या एक्सपेक्टेशंस क्या होती है. मेरी एक्सपेक्टेशन लिटरली बता रहा हूं सिर्फ ये होती है आज मुझे मैक्स इतना देना है. मेरी कभी भी ये नहीं होती अगर मैं अपना दुकान ओपन कर रही हूँ या मैं अपना डेज चालू कर रही हूँ कि आज मुझे इतने परसेंट कमा के उठना है. वो okay. देखो रोहित मैं बहुत सिंपल एक बात पे बिलीव करती हूँ. मार्केट इज डायनामिक. ठीक है, आपने अपना एक फॉर्मूला बनाया. ठीक है, आपने डेली मार्केट पे वो अपना फॉर्मूला रन करा. ठीक है, चाहे मैंने वो मेंटली बनाया है मैन्युअली चाहे वो मैंने एल्गो से बनाया है. अब वो है क्या मेरा फॉर्मूला 100 दिन रन करेगा, 100 में से 40 बार वो हारेगा, 60 बार वो जीतेगा. लेकिन जब वो 40 बार हार रहे ना मुझे सर्वाइव करना है. दैट्स इट, यही मेरा जॉब है. Yes. Shikha, it was very nice talking with you. This is just a start. मैंने कहा ना हम लोग 20 साल के experience को 1 घंटे में नहीं डाल सकते. ठीक है? I don't know. So, I mean, I'm getting back to you. Once this thing is out and we have started this, I'm getting back to you and we are going to talk about things जिनके बारे में हमने अभी बात नहीं की है. ठीक है? But I think पहले हमारी जो audience है एक फ्रेश ऑडियंस है उसको इस सारी चीज को एक बारी ग्रास्प करने दो. लेट देम अंडरस्टैंड इट, लेट देम कम बैक. इसको दोबारा से भी करेंगे. थैंक यू लॉट फॉर यू नो जॉइनिंग मी ऑन दिस सेशन. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई होप कि मेरा कुछ निकल कर आए बिकॉज आई वॉज वेरी नेचुरल जो है सिंपल.